वेलकम टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं हम। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर क्लब सैंडविच। तो पनीर क्लब सैंडविच कैसे बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें पहले चाहिए पनीर। ये हमारा पनीर है, आप देख सकते हैं। इसे हमने ब्रेडिंग किया है मसाले के साथ। तो ब्रेडिंग वो ऊपर जो है ब्रेड क्रम्स है, नीचे मसाले के साथ मसाला का पेस्ट बनाते हैं। इसके बाद मसाला लगा के हम क्रम्स बनाते हैं, क्रम्स लगाते हैं दो बार। तो इसके बाद ये हमें थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करना है। तो ये हमारा 180 डिग्री में ये हमारा ऑयल चालू है, इसे हम फ्राई करेंगे, ऑयल में डिप करेंगे और इस 5 to 6 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। इसके बाद जब तक हम अपना ब्रेड लेके हम रेडी कर देते हैं। नॉर्मल क्लब सैंडविच में हम 3 ब्रेड लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने 3 ब्रेड ले लिया। तो 3 ब्रेड को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे माइनस। तो माइनस आप जो माइनस अवेलेबल है वहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो आप वहाँ पे डाल जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। अगर माइनस की रेसिपी चाहिए आपको तो हम नेक्स्ट वीडियो में डालने वाले हैं। अगर आपको जितनी जल्दी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। काफ़ी तरह का माइनस हम लोग अपडेट करने वाले, अपलोड करने वाले हैं इस चैनल में। तो दोस्तों आप इसी तरह से सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कि कैसी लगी आपको। तो ये हमने माइनस डाल दिया है और इसके बाद हम इसमें वेजिटेबल डालेंगे। तो दोस्तों इसमें हम डालने जा रहे हैं वेजिटेबल। तो वेजिटेबल एक कर दिया वहाँ पे, आप जान सकते हैं कस और लेक्यूस अकबर वगैरह डोल कुछ भी हो सके तो आप वहाँ पर डाल सकते हैं। तो हमने टोमेटो डाला है स्लाइस करके। तो दोस्तों ये हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा साल्ट और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पेपर। तो हमने ये ऐड कर दिया। इसके बाद हम नीचे वाले लेयर में थोड़ा सा पनीर डालेंगे और इसके बाद दूसरी लेयर में भी हम पनीर डालेंगे जो फ्राई किया हुआ होगा। तो इसके बाद हम चीज़ स्लाइस डालेंगे। तो देखते हैं आगे क्या ऐड करते हैं हम। तो दोस्तों ये हमारा पनीर अभी फ्राई हो गया है, तो इसे हम थोड़ा सा कट करके और नीचे वाली लेयर में डालेंगे। तो ये हमारा वेजिटेबल के साथ, और इसके बाद फिर हम डालेंगे अगली वाले नेक्स्ट लेयर में। हमने ऐड कर दिया पनीर, इसके बाद हम थोड़ा सा मायोनेज डालेंगे और इसके बाद ये हमने ब्रेड को फोल्ड कर दिया और इसके बाद हम इसमें डालेंगे माइनस। ये गोल गोल करके डालना आप जलेबी बना के, आपको जैसा अच्छा हो वैसे डाल सकते हैं। ये देखो भाई ने मक्खन लगा दिया। ये जो बना रहा है मेरा मामा है दोस्तों। ये हमने पनीर फिर से चॉपिंग कट करना है क्यूब की साइज, फिर से हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद चारों तरफ लगा देंगे, पनीर को बिखार देंगे। तो हमने ये डाल दिया, इसके बाद हम इसमें डालेंगे माइनस। तो इसके बाद फिर हमने ब्रेड को फोल्ड कर देना है वहाँ पे। इसके बाद हमें इसे अच्छे से बटर के साथ टोस्ट करना है। ये हमारी सैंडविच रेडी है। तो हमने बटर लगा के मशीन में टोस्ट करना है 30 to 1 मिनट तक, जो अच्छी तरह से गर्म और टोस्ट ना हो जाए क्रिस्पी। आप जितना चाहो उतनी क्रिस्पीनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ब्रेड जो है, हमारा सैंडविच जो है अभी ये हो गया है, ये हमारा ब्रेड हो गया है अभी सैंडविच टोस्ट। तो इसे हम चारों तरफ से कट करेंगे, इसके बाद सेंटर में 4 पीस करेंगे। Thank you.